हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो व्यूअर्स, पिक्चर्स तो आप देख रहे होंगे और ये पिक्चर देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी क्रिएट हुई है और ये कैसे क्रिएट होंगी ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और इनके जो फॉर्म है वो भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे मिलेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्रिएट होंगी ये पिक्चर्स। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने उधर google.com, नेक्स्ट आपने सर्च बार में लिखना है बीइंग इमेज क्रिएटर। जैसे सर्च हो, फर्स्ट लिंक आपने उसका ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका बॉक्स एक आ जाएगा, आपने इसमें प्रॉम्प्ट ऐड करना है। आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट करके पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इजी पैटर्न है। नेक्स्ट आपने प्ले स्टोर से बिंग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप अपने आईडी से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपने इसमें प्रॉम्प्ट ऐड करना है। जैसे इसमें प्रॉम्प्ट ऐड हो, प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है और देखना आपने कुछ ही सेकंड में फॉर ब्यूटीफुल सी AI इमेज जो है वो जनरेट हो जाएंगी। अगर आप इसमें कोई और नेम भी ऐड करना चाहें तो वो नेम ऐड करके भी पिक्चर्स को जनरेट कर सकते हैं। और इनके जो जो मेरे चैनल्स पे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो व्यूअर्स, जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है मैं उसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस आ जाते हैं एप्लीकेशन की तरफ और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये पिक्चर्स जो हैं वो जनरेट हो गई हैं। और आप इनको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके 1 by 1 ईजिली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पिक्चर्स थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये पिक्चर्स हैं वो क्रिएट हो गई हैं। और आप इनको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके 1 by 1 डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं नेक्स्ट प्रॉम ऐड करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉम ऐड करने के बाद जस्ट क्रिएट के ऊपर अगेन से मैं क्लिक करूँगा और आप देखना कुछ सेकंड में फॉर मोर ब्यूटीफुल सी इमेज जो है जनरेट हो जाएंगी। और जो इसका लास्ट प्रॉम है वो मैं इसमें कॉपी करने के बाद वापस आ जाता हूँ एप्लीकेशन की तरफ और आपने देखना है कितनी ज़बरदस्त सी ये पिक्चर्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और देखना कि पिक्चर्स जो हैं वो जनरेट हो गई हैं। अगर लाइक आप इसमें कोई और नेम भी ऐड करना चाहें तो अभी वो ऐड करके पिक्चर्स को आप ईजीली जनरेट कर सकते हैं। और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये पिक्चर्स जो हैं वो जनरेट हो गई हैं और आप इनको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके 1 by 1 डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इधर अगर आप कुछ नेम वगैरह भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर क्लाउड्स की जगह क्लाउड का कलर वगैरह भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप करके पिक्चर्स को वो जनरेट कर सकते हैं। मोस्टली मेरे चैनल्स पे जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करते, तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। तो इसमें नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ऐड करके मैं अगेन पिक्चर्स को क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देखना है कितनी ज़बरदस्त सी ये 4A ब्यूटीफुल सी इमेज जो है वो जनरेट हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, पिक्चर्स अभी कुछ सेकंड में पिक्चर्स जो हैं जनरेट हो गए और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये पिक्चर्स जो हैं जनरेट हो गई हैं। और आप इनको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड भी कर लें। अगर आप इसमें कोई और नेम भी ऐड करना चाहें तो वो भी नेम ऐड करके पिक्चर्स को आप डाउनलोड कर क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो अगर आपका नेम जनरेट नहीं हुआ, दोबारा से आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करके पिक्चर्स को रीजनरेट भी कर सकते हैं। और वेवर्स, इसका प्रोम डिस्क्रिप्शन में नहीं ऐड करूँगा क्योंकि मोस्टली जो वेवर्स हैं जो भी हैं वो वीडियोस को वॉच करते हैं, वीडियो को वॉच नहीं करते और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो फॉर्म है उसको उठा लेते हैं। और इसका प्रोम कैसे आपको मिलेगा ये मैं बताऊँगा आपको कुछ टाइम बाद, ठीक है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये पिक्चर्स जो हैं ये जनरेट हो गई हैं। और आप इनको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके 1 by 1 डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं व्यूअर्स आपको बताता हूं कि आपने इसका प्रोम कैसे आपको ये प्रोम मिलेगा, अब वो मैं आपको बताता हूं। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को करना है एंड तक वॉच। वॉच करने के बाद आपने वीडियो को उधर से ना आपने जो डिस्प्ले के ऊपर आएगा प्रोम, तो आपने उसका ले लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास ऐसी पिक्चर्स जो होगी शो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब इधर से आपने प्रॉम्प्ट कैसे निकालना है वो आपको बताता हूँ। आपने गूगल ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद google.com, जैसे ही ओपन हो तो आपने सर्च बार में लिखना है इमेज टू टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट उसका जो फर्स्ट लिंक होगा आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इधर आ जाएगा ब्राउजर फाइल, आपने इधर जो फाइल है वो सिलेक्ट करके उसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करना है और आपने देखना है कुछ ही सेकंड में जो इसका प्रॉम्प्ट है
वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और आप इधर से प्रॉम्प्ट लेके ब्यूटीफुल सी आई इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स आपने देखना है कि प्रॉम्प्ट जो हो गया है एक्सट्रैक्ट, मतलब जो पिक्चर्स के ऊपर जो भी मतलब प्रॉम्प्ट्स लिखा था वो इधर एक्सट्रैक्ट हो, इधर से आपने कॉपी कर लेना है या इधर करके सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है बिंग एप्लीकेशन पे, उधर जाके आपने ऐड करना है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद आपने नेम अपनी मर्जी से कोई भी नेम ऐड करके पिक्चर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।